अरे मणि साहब, आप ईद कैसे मनाते हैं? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये, उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि आपके जो एनजीओ में लोग हैं वो कैसे ईद मनाते हैं। तो हमारे एनजीओ वालों को आप बिठाएं तो ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान जो बैठा है वही चला रहा है। अच्छा, लेकिन बात ये, मैं ईद सोते हुए गुजारता हूँ। अच्छा। पूरे रमजान इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती। तो पहले दिन या सारे दिन? सारे ही दिन सोता हूँ। तो आज हम कह देता हूँ कुछ किस्मत है क्या हमारे साथ? बिल्कुल, मगर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया आना। तो बात ये कि हम इतना थक जाते हैं कि फिर हिम्मत ही नहीं रहती, और फिर ईद सब मनाने में लगे होते हैं तो थोड़ा सा हमें भी सुकून हो जाता है कि अब हमारी तरफ आने वाले लोग जो है ना, उनका प्रेशर कम हो गया है। अच्छा। तो थोड़ा सा सुकून का टाइम मिलता है, फिर वही रूटीन का जब शुरू होता है तो फिर कहाँ टाइम मिलता है कि आप रेस्ट कर सकें। काम ऐसा है कि ना रात है ना दिन है ना अपनी कोई जिंदगी है उसके अंदर, तो जो उसके बीच कहीं ना कहीं रेस्ट का टाइम। लेकिन जो आप लोग काम कर रहे हैं दूसरों की जिंदगियों के लिए वो एक बड़ी बात है सारे बड़ी साहब, और हर एक को ऐसा मौका नहीं मिलता, अल्लाह ताला हर एक को नहीं चुनता इस काम के लिए। लेकिन मकसद जिस्म की, दिमाग की, हर चीज की ताकत होती है ना, तो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल, बस यही कोशिश करते हैं कि ठीक है मना किसी को, हाँ जरूरत पड़ती है तो फिर कोई ईद बकरीद सुबह शाम रात आराम घर फैमिली कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। लेकिन अगर अल्लाह ने खैर रखी हुई हर तरफ तो फिर हम कहते हैं कि मौका मिल गया जाकर के सो जाओ। तो मेरी दुआ है अल्लाह खैर ही रखे। हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब, जबरदस्त आपका जेल यात्रा रही है, एंजॉय किया? जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया। ईद कैसे गुजारते वैसे? मतलब पॉलिटिशियन जब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉलिटिशियन जब जेल से होकर आ जाता है ना तो ज्यादा निखर जाता है। जेल भी फर्क होता है दो किस्म की जी। एक जेल वो जो मैंने काटी, एक वो जेल होती है जो शर्मनाक जेल होती है, जो करप्शन में, लूटमार में, इसमें उसमें जेल होती है। तो उसमें आके मैं समझता हूँ कि निखरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जेल वो थी कि सब मेरे साथ थे, क्योंकि ऐसे ही एक टेररिस्ट बना दिया गया था मुझे कि जी मैंने कोई दहशतगर्द, और दहशतगर्दी के मुकदमात थे मेरे पर। इलेक्शन के दिन बंदा वोट डालने जा रहा हो, ये सियासी मुकदमात होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान हक पे हो और फिर उसको सपोर्ट मिल जाए, मैं समझता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खासतौर पर आपके चैनल का भी, हमने बहुत हाईलाइट किया था सब ने। मैं समझता हूँ कि जितनी मुझे सोशल मीडिया पे हर तरह, चूँकि लोग तो आजकल छुपा हुआ कुछ नहीं होता, इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा वो कहते हैं ना स्टाफ कोर्स हो गया पॉलिटिशियन के लिए, वहाँ जाना स्टाफ कोर्स होता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक दिन थे। और अभी जेल में थे, सबसे ज़्यादा किसको मिस किया? मेरे ख्याल से अपनी बेटी ने सबसे पहला मैंने देखा है कि मेरा नाम लें। मैं ये थोड़ा प्रेशर आया कुछ हो ही नहीं सकता था पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लम्हे भी से दूर नहीं रहा ना उसमें। हर वक्त माशाल्लाह ये मुझसे रابطے में थी। अच्छा। कहीं नहीं थी तो सोशल मीडिया पे मेरे लिए कोई बात कर रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। तो लाजिम बात है कि पूरी फैमिली को इंसान मिस कर रहा होता है, और मैं तो अपने तमाम, चूँकि आजकल वो भी फैमिली होती है हमारे साथ, जो हमारे पार्टी के साथ ही चल रहे होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब हॉस्टल था या जेल में था तो कुछ एक 150-200 हमारे नौजवानों की टीम थी जिनका मेरे रिश्तेदारी कोई नहीं थी, लेकिन राउंड द क्लॉक मैं जेल में होता था तो जेल के गेट पे बैठे होते थे, मैं हॉस्टल होता तो जेल के वहाँ उसके गेट पे बैठे होते थे। कुछ 150-200 नौजवान पार्टी के हमारे वर्कर ऐसे साथ थे जिन्होंने एक नया रिश्ता डेवलप कर लिया। इश्ताक भाई यकीन नहीं आता, मतलब वो ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं प्यार करते हैं ना हमारा एक जो होता है ना कि फिर फील होता है कि नहीं हमने कुछ गेन किया है। बात यह कि वहाँ उन दिनों को मिस किया कि मैं कहना चाहूँ कि मैं देर से क्यों आया, और चूँकि जितनी मुश्किल है यहाँ सच बोलना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि मजीद पक के आया हूँ, मजीद सच की तैयारी करके। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आयशा ने, आयशा का जैसे मैंने पहले भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा ने जिस अंदाज से, नहीं तो मैं तो अंदर चला गया था, ऐसा ही है, कौन बताता कि मैं क्यों गया, आयशा ने बताया कि मैं क्यों किया। तो आयशा वैसे आपको ने बताया, और जिससे आप सबको पता चला कि मैं अंदर क्यों, आदमी को नहीं पता होता ना कल क्या हुआ, वाकई में बंदूकें थी क्या था इसने। आयशा ने पूरी कौम को बताया कि मैं अंदर क्यों गया और किसने अच्छा किया किसने गलत किया। तो आयशा की वालिद की मोहब्बत में ऐसा किया या वैसे भी आपको शौक है कि आप भी पॉलिटिक्स में आए? आई थिंक वो मोमेंट ऐसी नहीं थी कि मैं सियासत का सोच रही थी या पॉलिटिक्स का सोच रही थी, हम पापा से मिलकर आए थे। अच्छा। और उसके बाद जो हमारा ऐसी, मतलब कोई भी नहीं देख सकता, मतलब मैंने उस वक्त इनिशियल वीडियो थी, पापा की बर्थडे थी उस दिन इत्तेफाक से, और पापा हॉस्पिटल में थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो जो इमोशंस थे, जो रॉ इमोशंस थे पहली, उसमें तो कोई और चीज़ नहीं हम सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि मतलब लोगों को रियलिटी नहीं पता कहीं पे, कोई हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है कि नो विदाउट एनीथिंग वो उनको वोट देने जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि उनको जेल में लेके चले गए, तो वो कोई एजेंडा से नहीं था, वो इट वॉज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मतलब जाहिर सी बात है किसी भी बेटी की फीलिंग जो होती है ना, का जेल ससुराल होता है,
आप बेटी हैं सियासतदान की, आपको तो ये पता होना चाहिए। वो शायद उन लोगों के लिए कहावत शायद मानी जाए ठीक, जो जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनके जिनके जिनको पता होता है कि हमने गलत काम किया, हमें जाना ही नहीं, नहीं भी किया तो वो भी एक दफ़ा चक्कर लगा के जरूर आते हैं। देखिए अल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कुछ ना भी करने के बजाय गए। लेकिन आयशा, हमने आपके उस बीपर से और जो भी आपको उस वक्त टीवी पर देखा, हमने एक मुस्तकबिल की सियासतदान देखी, तो अब कोई इरादा रखती हैं आप फ्यूचर में? अब डिपेंड करता है, शुरू से पापा मेरे सोशल वर्कर थे, फिर वो पॉलिटिशियन बने, जहाँ जितना हम लोगों ने उनको देखा, उनकी अपनी हमारी एनजीओ पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन, उससे हमने बहुत सारा काम किया, तो मैं भी शुरू से पापा के साथ इन्वॉल्व हूँ सोशल वर्क वाले सेक्टर में, उस सारी चीज़ों में। तो होपफुली फ्यूचर में डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जाएँ, अगर पॉलिटिक्स में गए तो क्या पता चले जाए, बट सर्विस वाला सेक्टर बंद नहीं हुआ, लेकिन अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली डिसाइड भी नहीं किया।